हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? सबका दही चूड़ा लबा लब रहा? मजेदार, खूब खाए। मैं इसलिए यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लेकर के आया हूँ कि जब मैं तुम लोग का आखिरी क्लास जो ले रहा था ना, तो बहुत सारे हमारे बच्चे एबसेंट थे और उनका मतलब एक्चुअली हाँ जरूरी था ना, दही चूड़ा पढ़ाई से ज्यादा जरूरी होता है, तो वही खाने लोग यहाँ तो बहुत होशियार लोग हैं ना, जरूरी काम करने चले गए थे। लेकिन हम लोग टीचर्स पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चे का तो अपना जो भी होता है वो करते ही रहते हैं, और हम लोग के भी अपनी जो जरूरत होती है उसके मुताबिक हम लोग को अपना काम करते रहना पड़ता है। तो बच्चों उसी को लेकर के, जो बच्चों को, चूंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इस बार लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, तो मेरे को लगा कि नहीं, जो बच्चे मिस कर गए होंगे भाई उनको मैं, ठीक है नोट्स तो कहीं से बना लेते हैं, लेकिन मेरा ड्यूटी था ना, मैं तो बता देना चाह रहा था, तो मैंने उनको ये टेलीस्कोप सोचा ही क्यों ना एक बार टेलीस्कोप उनको मैं पढ़ा दूं। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, नॉर्मली आप टेलीस्कोप तो ऐसा देखे ही होंगे, ये जो टेलीस्कोप का फिगर आपको ऐसा दिख रहा है वो कहीं ना कहीं या तो फिगर में या तो फिल्म में या तो आप बहुत ज्यादा पर्सनल या तो आप रोड पर वाला टेलीस्कोप आप लोग यूज किए होंगे आजू बाजू के चिड़िया देखने के लिए। बात मैं सॉरी सॉरी समझ रहे बात को ना? हाँ बहुत आप समझदार हैं, तो टेलीस्कोप तो आप लोग कहीं ना कहीं देखे ही होंगे, हाँ यूज भी किए हैं। चलिए बहुत अच्छा, यूज भी किए हैं। तो अगर आप यूज किए हैं तो आपको पता ही होगा कि टेलीस्कोप कैसा होता है। आप देखिए एक लेंस यहां पर लगा हुआ है ना टेलीस्कोप। सबसे पहले टेलीस्कोप क्या है बताइए? तो टेलीस्कोप एक वैसा, ये जो टेलीस्कोप है एक वैसा ऑप्टिकल डिवाइस है जिसको बहुत दूर, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कहते हैं दूरबीन। दूरबीन, दूर का मतलब दूर का, बीन का मतलब दिखलाने वाला, मतलब दूर के वस्तु को दिखाने वाला जो ऑप्टिकल डिवाइस है, प्रकाशीय संयंत्र है, उसको हम बोलते हैं दूरबीन टेलीस्कोप। लेकिन अपन को ऐसे सामान्य चीज आज नहीं देखना है, अपन को बहुत दूर का चीज देखना है, स्पेस का चीज देखना है, इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। सूर्य चांद तारे ग्रह नक्षत्र इन सभी चीजों को, सैटेलाइट्स, इन सभी चीजों को जो स्टडी करावे, जो हम लोग को बताए, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो बच्चा आज अपन को ऐसा ही एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप देखना। ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एक बार पेन ले लो, आ जाओ पेन जी, इसमें दो लेंस है, एक लेंस यहां लगा होता है और एक लेंस देखिए एकदम यहां लगा हुआ रहता है, यहां लगा हुआ रहता है। अब खुद ही आप सोचिए तो ये लेंस क्या है? काफी बड़ा है सर, ये तो लेंस सर बहुत ही बड़ा है, और किधर है ये? किधर है? तो ऑब्जेक्ट की ओर है, ऑब्जेक्ट की ओर है। एक ये क्या सर? ये तो बहुत छोटा लेंस है सर। एक किधर है? आई की ओर है। इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं, अगर मैं पूरा आपको बोलूं कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक वैसा प्रकाशीय संयंत्र है, एक वैसा ऑप्टिकल डिवाइस है जिससे बहुत दूर की वस्तु को, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी को देखने के लिए इसका यूज होता है। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी बोले तो स्टार्स, मून्स, सैटेलाइट्स, इन सभी चीजों को देखने के लिए किया जाता है, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्या राइट समझ में आ रहा है? क्या है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप? एक वैसा ऑप्टिकल डिवाइस है जिससे बहुत दूर की वस्तु को देखा जाता है। इसमें दो लेंस होता है और दोनों कैसा लेंस होता है? तो दोनों कॉन्वेक्स लेंस होता है। यहाँ भी कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है और यहाँ भी कॉन्वेक्स लेंस ही लगा हुआ है। दो कॉन्वेक्स लेंस है, एक आंख की ओर है, इसको हम आई लेंस कहते हैं, एक ऑब्जेक्ट की ओर है, इसको हम ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं, ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट लेंस का जो घेरा और फोकसांतर है वो ग्रेटर देन आई लेंस है, वो इज ग्रेटर देन ई, ओ का जो आकार है उसका जो फोकल लेंथ है वो ई से बड़ा होता है। ये जो है ना बहुत क्या है, बहुत दूर की वस्तु को इससे हम लोग बहुत आसानी से, हमारे वैज्ञानिक लोग देख पाते हैं। तो जो मैंने ये इसका ये तो आपका हो गया देखने के लिए फिगर, और यहां पर मैंने आपको बताया ये जो फिगर है वो आपका एग्जाम में लिखने वाला फिगर है। तो हम लोग इस फिगर का भी कंस्ट्रक्ट पहले देख लीजिए कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है। तो मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज यूज टू सी द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। अब बोलिए एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को हिंदी में खगोलीय वस्तु कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड क्या कहते हैं? जैसे स्टार, स्टार्स हो गए, प्लैनेट, ग्रह, सैटेलाइट, उपग्रह, ऊपर में बहुत सारे उपग्रह लगाए हुए, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट को क्लियरली दिखाने के लिए जिस टेलीस्कोप का इस्तेमाल होता है उसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं। इट इज रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। मैंने अभी आपको बताया कि इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जेंट लेंस। इसमें कैसा लेंस होता है? कन्वर्जेंट लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? कन्वर्जेंट लेंस होता है। इसका नाम आप क्या क्या दिए हैं? ओ और ई दिए हैं। क्या क्या नाम दिए हैं? ओ दिए हैं और ई दिए हैं। ओ का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट लेंस। ई का मतलब क्या होता है? आई लेंस।
ओ इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट लेंस, ओ क्या कहलाएगा ऑब्जेक्ट लेंस कहलाएगा, ई इज कॉल्ड आई लेंस, ई को क्या कहेंगे आई लेंस कहेंगे, ओ कैसा था तो ओ बड़ा था, लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज एपर्चर, इसका फोकल लेंथ भी बड़ा है, इसका एपर्चर भी बड़ा है, ई है जो स्मॉल फोकल लेंथ, ई क्या है उसका फोकल लेंथ छोटा है, एपर्चर छोटा है। अब आते हैं हम लोग रे डायग्राम में, आप पहले रे डायग्राम को अच्छा से समझिएगा, आप रे डायग्राम को अच्छा से समझिएगा। यहां देखिए, यहां पर आप इसको आप पी ले लीजिएगा और इसको आप क्यू ले लीजिएगा, थोड़ा फिगर में कैलकुलेशन में ये इशू है, आप थोड़ा सा यहाँ पर ठीक से ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर आप यहाँ पर ये देखिए, थोड़ा सा मैं बना देता हूँ, आप नोट्स बनाइएगा जो बच्चे, तो वैसे ही बनाइएगा, यहाँ पर पी डैश कीजिएगा, ये पी डैश है और यहाँ पर कर लीजिएगा क्यू डैश, क्यू डैश यहाँ पर, यहाँ पर क्या कीजिएगा, ये हो गया P और ये हो गया Q, यस Q ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या किया, दो लेंस लिया, ये देखिए ये बड़ा लेंस है, ये देखिए ये लेंस क्या है, ये काफी बड़ा लेंस है ना, ये बहुत ही बड़ा लेंस है, इसको आप O कर लीजिएगा, O O ये ऑब्जेक्ट लेंस है, O कर लीजिएगा, हाँ ए, और ए ई कर लीजिएगा, ई कैपिटल ई, ई ई बोले तो आई लेंस, ई बोले तो आई लेंस, क्या मतलब, मतलब है कि ए है ऑब्जेक्ट लेंस और ए है आई लेंस। तो हम ऑब्जेक्ट लेंस के सामने क्या पैरेलल रे आ रही है, पैरेलल रे आ रही है, कितना एंगल पर आ रही है, अल्फा एंगल पर आ रही है, ये देखिए ये जो एंगल है ना, यहाँ आप देखिए ये जो एंगल बन रहा है, कहने का मतलब ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल अल्फा है, यहाँ जगह नहीं है तो इस अल्फा को यहाँ लगा दिया गया है, अल्फा रे। और इमेज बनने के लिए दो रे का होना जरूरी है, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधे चली जाती है, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से आप देखिए ये जो रे जा रही है, ये जो रे जा रही है सीधे चली जाती है, ये देखिए यहाँ तक आती है, ये देखिए यहाँ तक आ रही है, और दूसरा रे पैरेलल आती है, और आप सभी जानते हैं कि पैरेलल जाने वाली किरणें कहाँ से लौटती है, तो फोकस से होकर के लौट, मैंने फोकस लौटती नहीं है सॉरी, रिफ्रैक्ट होती है, जो रे पैरेलल आती है लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर कटती है, ये यहाँ देखिए ये देखिए ये फोकस है, किसका फोकस है, तो ये फोकस है ऑब्जेक्ट का, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एफ ओ है, क्या है, नहीं यहाँ 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 सॉरी 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 वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक कुछ गड़बड़ आ गया, मेरे मेरे मन में कुछ और चल रहा था और मैं कुछ बोलते और गया। हाँ, मैं ये आपको बताना चाह रहा था बच्चा कि ये देखिए समांतर रे आ रही है, पैरेलल रे आ रही है, और पैरेलल रे आप ये पैरेलल आई यहां से कन्वर्ज हुई, कन्वर्ज होने के बाद पैरेलल रे कहां पर इमेज बनाता है, फोकस पर इमेज बनाता है, फोकस पर इमेज बनाता है, इसका मतलब यहाँ जो इमेज बन गया ये इमेज फोकस है, मतलब आप कह सकते हो कि यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एफ ओ है। अरे भाई, तो यहाँ लिखा हुआ है एफ ओ है। और अब हम क्या करेंगे, लेंस को हम ऐसे, इस आई लेंस को हम ऐसे एडजस्ट करेंगे, इस आई लेंस को हम ऐसे एडजस्ट करेंगे कि ऑब्जेक्ट लेंस से बना हुआ यह जो इमेज है, यह जो प्रतिबिंब है, वो इस आई लेंस के लिए वस्तु का काम करे। इसका मतलब यह है यूई, बाद में हम लोग एफ ई कहेंगे, एक अलग बात है कि हम लोग इसको ऐसे एडजस्ट करते हैं कि ये अपने फोकस पर इसको ला लेता है, और जिस समय ये लेंस इस वस्तु को, मतलब इस इमेज को वस्तु के रूप में अपने फोकस पर लाता है, उस समय यह दूरी आई लेंस के लिए फोकस का काम करता है, मतलब उस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि जो यू ई है वो वही एफ ई है। क्या बोले, समझ में आ रहा है, फिर से सुनिए, ऑब्जेक्ट लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब, मतलब ये प्रतिबिंब आई लेंस के लिए वस्तु का काम करता है, इसका मतलब इनिशियली ये जो डिस्टेंस है वो वस्तु की दूरी है, किसके लिए वस्तु की दूरी है, आई लेंस के लिए वस्तु की दूरी है, लेकिन अब हम आई लेंस को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि यह जो प्रतिबिंब बना वो फोकस पर आ जाए, किसके फोकस पर आ जाए, आई के फोकस पर आ जाए, इसका मतलब है कि यही डिस्टेंस एक समय में एफ ई कहलाएगा, और उस कंडीशन में हम कहेंगे यू ई इज इक्वल टू एफ ई, जिसका फाइनल इमेज कहां बनता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर बनता है। आप बताइए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखिएगा। तो हम उम्मीद करें कि फिगर आपको समझ में आ गया है, आप फिर से एक बार समझिए, ए पैरेलल रे है, आई फर्स्ट इमेज कहां बना, पी क्यू बना, ए रियल इमेज बन रहा है, ए रियल इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, कहां पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, किसके फोकस पर बन रहा है, ऑब्जेक्ट के फोकस पर बन रहा है। अब देखिए, अब यहां से यहां तक आए, लेकिन ए क्या करेगा, फिर से एक बार कन्वर्ज कर देगा, ए देखिए फिर से एक बार कन्वर्ज कर देगा,
ए दोनों रे फिर से कन्वर्ज हो गया। अब ये जो रे कन्वर्ज हो गया, जब आई में गया तो हमारे आई को तो हमेशा सीधा देखने का सेंसेशन होता है, तो यही रे को जब वो पीछे बढ़ा दिया, आप देखिए ये दोनों रे, ये देखिए साइन यहां पर दिया हुआ, यही रे जब पीछे की ओर आ गया तो इस पॉइंट पर बनता हुआ प्रतीत हो रहा है वर्चुअल इमेज पी डैश क्यू डैश। कहां पर बनता हुआ प्रतीत हो रहा है? डी पर बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। डी किसको बोलते हैं? लिस्ट डिस्टेंट ऑफ विजन को बोलते हैं। अब रे डायग्राम में मैंने यही बात बताया जो भी लिखा कि इन द फिगर पैरेलल रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, कहां से आ रही थी? इन्फिनिटी से आ रही थी। कितना एंगल पर आ रही थी? अल्फा एंगल पर आ रही थी। एंगल मेड बाई एंड टेलीस्कोप एंड मेक्स इरेक्ट पी क्यू, दिस पी क्यू इमेज वर्क लाइक एज ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस एंड मेक्स फाइनल इमेज पी डैश क्यू डैश फ्रॉम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। आई लेंस उसका इमेज कहां बनता है? डी पर बनता है। इसमें एक्शन देखिए, एक्शन क्या है? आप जब टेलीस्कोप बना रहे होंगे तो आपका क्या टारगेट होना चाहिए? तो बोथ लेंसेस आर फिटेड इन ए ट्यूब, दोनों लेंस को हम एक ट्यूब में फिट करते हैं, एंड इट इज एन अरेंजमेंट डेट, और इस प्रकार का व्यवस्था होना चाहिए कि द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस वर्क लाइक एज ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस, कि ऑब्जेक्ट लेंस से जो बना हुआ प्रतिबिंब है वही आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करे, यही हम लोग का टारगेट होना चाहिए। ए क्रॉस वायर इज फिटेड फॉर नोइंग द डिस्टेंस ऑफ विजन। अभी जो क्रॉस वायर कौन सा है, ये देखिए, ये जो लाइन आपका जा रहा है, ये जो लाइन ऐसे जा रहा है, ये देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्रॉस वायर कहते हैं, ट्यूब के भीतर लगा हुआ रहता है। ये जो आप समझ में सबको आ रहा है, ये देखिए ये जो लाइन है ये क्रॉस वायर है। ये क्रॉस वायर क्या बोलता है? एक क्रॉस वायर क्या करता है कि इसके भीतर होने वाले जितने भी डिस्टेंसेज होते हैं वो सारे के सारे डिस्टेंसेज को ये मेजर करता है कि फर्स्ट इमेज कहां पर बना, आप फोकस को जब हम आई लेंस को जब एडजस्ट किए तो आई लेंस का फोकस कहां पर गया, और फिर उसका फाइनल इमेज कहां पर बन रहा है। ये जितने तरह के अंदर में विजन्स हैं वो सारे के सारे विजन्स को मेजर करने वाला जो लाइन्स है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस वायर। अब हम इसके मैग्नीफाइंग पावर पर आ रहे हैं। मैग्नीफाइंग पावर एम, एंगल मेड बाय इमेज एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, एंगल मेड बाय इमेज एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। तो बोलिए इमेज कितना एंगल बना रहा है, बोलिए इमेज कितना एंगल बना रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए यही ना इमेज है, ये देखिए यही इमेज है। ए क्रॉस वायर से हमको एंगल भी पता चल गया, ये देखिए कितना एंगल बन रहा है, तो बीटा एंगल बन रहा है। इमेज कितना एंगल बना रहा है? बीटा एंगल बना रहा है। और ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा था? अल्फा एंगल बना रहा था। तो हो गया ना बीटा बाय अल्फा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अल्फा और बीटा का मान अगर बहुत ही कम है, इफ अल्फा एंड बीटा आर वेरी वेरी स्मॉल एंगल, तो हम अल्फा को क्या कहेंगे? टेन अल्फा कहेंगे। बीटा को क्या कहेंगे? टेन बीटा कहेंगे। और अगर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लें, तो ये देखिए अगर इस ट्रायंगल को काट करके हम यहां पर अगर आपको निकाल दें, अगर इस ट्रायंगल को काट करके मैं चलिए यहां ही निकाल रहा हूं, ये देखिए क्यू है, ए पी है, और ए क्यू के साथ ऐसे लाइन गया हुआ है और पी के साथ ऐसे मिला हुआ है, और यही एंगल बन रहा है अल्फा। आप जरा गौर कीजिएगा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ओ। तो आप जरा गौर कीजिए, ए हो गया पी और ए हो गया बी। इसका मतलब आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि टेन अल्फा इज इक्वल टू पी क्यू बाई ओ क्यू कह सकते हैं। उसी प्रकार से अगर टेन बीटा यहां से काट के मैं बीटा को भी निकाल दूं, तो ए रहा ऐसे ऐसे और ऐसे, यहां पर क्या है? क्यू है, यहां पर पी है, और यहां पर क्या है? ई है, और ये एंगल क्या है? बीटा। और यहां से अगर हम टेन बीटा यूज कर लें तो टेन बीटा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा पी और ए हो जाएगा बी। पी का मतलब हो गया पी क्यू और बी का मतलब हो गया ई क्यू। तो हमको दोनों मिल गया, टेन अल्फा भी मिल गया, टेन बीटा भी मिल गया। टेन अल्फा कितना मिला था? तो पी क्यू बाई ओ क्यू। टेन बीटा कितना मिला था? तो पी क्यू बाई ई क्यू। ये दोनों को अगर हम लोग इस इक्वेशन में, इक्वेशन वन में अगर पुट कर दें, तो हो जाएगा m इज इक्वल टू टेन बीटा बाई टेन अल्फा। ये हो गया टेन बीटा का वैल्यू, और बाई मतलब बाई करके हम अल्फा को, अल्फा मतलब क्या हो गया? टेन बीटा। टेन बीटा का मतलब हो गया पी क्यू बाई ई क्यू। और आप डिवाइड को, ये डिवाइड को आप इंटू में बदलिएगा तो नीचे वाला ऊपर मतलब ओ क्यू ऊपर चला जाएगा और पी क्यू नीचे चला जाएगा। उससे क्या होगा? ये पी क्यू कट जाएगा और क्या बचेगा? बचेगा क्या? बोलिए क्या बचेगा? ओ क्यू बाई ई क्यू बचेगा। अब बोलिए ओ क्यू का मान कितना है? फिगर में देखिए एफ ओ है ई, और ई क्यू का मान कितना है? तो माइनस यू ई है। आपको मैं फिर से दिखा दूं, आप ठीक से देखिए, किसका किसका मान देखना था? ओ क्यू और ई क्यू का। आप देखिए ओ क्यू, यही ना ओ क्यू है, ये ओ क्यू है। ओ क्यू का मान कितना है? एफ ओ है। और बोलिए इसका मान कितना है? यू ई है। लेकिन ए लेंस के इस साइड में है और इस साइड में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेंस के इस तरफ बाएं तरफ है, और इधर अगर जाता तो प्लस होता और इधर आया है तो माइनस। इसका मतलब यू ई निगेटिव हो गया। और अब आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो मैग्निफिकेशन अभी तक आपका आया कि माइनस एफ ओ बाई यू ई। चलिए इक्वेशन वन मान लीजिए।
अब अगर कहीं से आप 1 बाई यू ई का मान निकाल लें तो एफ ओ तो ऊपर में रहेगा और 1 बाई यू ई का मान अगर आप निकाल लें तो आपका बात बन जाएगा। इसके लिए अब हम लोग आते हैं आई लेंस पर कैलकुलेशन करने के लिए कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मान लेते हैं कि जो आई लेंस है उस आई लेंस का यहां 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 आई लेंस एफ ई एफ ई यहां अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी ये सही था यहां पर ए आपको बता रहे हैं कि यहां पर एफ ओ क्या है तो बहुत बार बोल चुके कि एफ ओ फोकल लेंथ है। किसका फोकल लेंथ है? ऑब्जेक्ट लेंस का। चलिए अब इसके बाद हम बोले कि आई लेंस पर अपन को फोकस करना। मान लेते हैं कि जो आई लेंस हम लोग यूज कर रहे हैं उस आई लेंस का फोकल लेंथ एफ ई है तो हम लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। अब बोलिए वी का मतलब क्या हो गया? वी का मतलब हो गया डी। आप डी भी नहीं कहें माइनस डी कहें। माइनस डी क्यों कहिएगा? आप माइनस डी क्यों कहिएगा? इसलिए कहिएगा क्योंकि इमेज फाइनल इमेज इधर बन रहा है। इधर बोले तो इमेज किधर बन रहा है? लेफ्ट साइड बन रहा है। लेफ्ट साइड बनने का मतलब डी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चलिए ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहां देखिए मैं आपको क्या बताया, मैं अभी बताया कि भी क्या हो जाएगा? माइनस डी हो जाएगा। यू क्या हो जाएगा? माइनस यू ई हो जाएगा। एफ क्या हो जाएगा? एफ ई हो जाएगा। तो ए सारा का सारा वैल्यू, ए सारा का सारा वैल्यू अगर आप यहां पुट करते हैं तो 1 बाई भी के बदले क्या लिखिएगा? माइनस डी। माइनस 1 बाई यू के बदले क्या लिखिएगा? तो माइनस यू ई इज इक्वल टू एफ के बदले क्या लिखिएगा? तो एफ ई। अब ये देखिए ये दो माइनस हो गया तो दो माइनस मिलने से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एक्सलेंट। इसका मतलब 1 बाई यू ई, अब इसको थोड़ा अरेंज के लिखिए, माइनस 1 बाई डी इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई। आप यहां से अगर 1 बाई यू का मान निकालिएगा इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ ई, 1 बाई एफ ई। तो बेटा आपको 1 बाई यू का मान चाहिए था जो यहां पर मिल गया, मिल गया ना। अब इस 1 बाई यू, इस 1 बाई यू ई का मान अगर आप यहां पुट कर दें, यहां आप अगर पुट कर दें बोले तो इक्वेशन 2 में पुट कर दें, इक्वेशन 2 में पुट कर दें, ये लिखा मैंने कि हेंस फ्रॉम 2, अगर आप 2 में पुट कर दें तो क्या था वहां पर? वहां पर क्या था बता दीजिए कोई, किसी को अगर ध्यान है तो है माइनस क्या था बोलिए, एफ ओ इंटू 1 बाई यू ई था। इस यू ई का वैल्यू आप यहां सीधे सीधे पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? एम इज इक्वल टू, एम इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ ओ तो रहेगा और यू ई के बदले 1 बाई डी प्लस 1 बाई आंसर। आप इतना भी मार सकते हैं लेकिन लेकिन किताब ने क्या कर रखा है ना, आप आंसर इतना मारिए कहीं कोई गलती नहीं है। किताब ने क्या कर रखा है ना कि एफ ई को कॉमन ले लिया है 1 बाई एफ ई को, तो आपका हो जाएगा माइनस एफ ओ बाई एफ ई। अगर आप यहां से एफ ई कॉमन ले लिए तो यहां क्या बच गया? 1, और यहां तो एफ ई है नहीं लेकिन आप कॉमन ले रहे हैं तो इसको ऊपर में दे दीजिए, नॉर्मल एलजेब्रा है तो 1 प्लस एफ ई बाई डी। आप इतना ही मारिए 1 प्लस एफ ई बाई डी और एलसीएम ले लीजिएगा। अगर आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए? अगर आप एलसीएम लेके बाई देवे सॉल्व कर दें तो क्या हो जाएगा? एम इज इक्वल टू बोलिए तो माइनस एफ ओ बाई एफ ई, एलसीएम ले लीजिए डी, क्या हो जाएगा? डी प्लस एफ ई। तो आप आंसर ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर आपसे अब ट्यूब लेंथ पूछे, ट्यूब की लंबाई, आप फिर से एक बार फिगर में वापस आइए, फिगर एक बार वापस में आ जाते हैं हम लोग। हाँ, ट्यूब की लंबाई पूरा देख लेते हैं। आप बताओ बेटा ट्यूब कितना बड़ा बड़ा है, अच्छा से समझोगे? ये देखो एक दो हो गया यहाँ, ट्यूब तुमसे पूछे कि ट्यूब कितना बड़ा है तो तुम क्या बताओगे? यहाँ इस कोने पर ध्यान दो, ट्यूब कितना बड़ा है? तो एक तो ओ क्यू और प्लस ओ क्यू, यहां से लेकर के यहां तक, यहां तक इमेज बन रहा है ओ क्यू, और इधर से ई क्यू, ओ क्यू प्लस ई क्यू। अब बोलो ओ क्यू का मान क्या रखोगे? तो ओ क्यू का मान रखोगे तो एफ ओ, और इसका मान क्या रखोगे? तो यू ई, एफ ओ प्लस यू ई। एडजस्ट करने के बाद अगर कोई ट्यूब लेंथ पूछे तो कोई कोई किताब इसको लिख देता है एफ ओ प्लस एफ ई। वही चीज मैंने यहां पर बताया, सबसे लास्ट में मैंने तुमको यही चीज बताया यहां पर कि अगर तुमको ट्यूब लेंथ जब मापना होगा तो एफ ओ प्लस यू ई, और कोई कोई किताब अगर जैसे क्या बताए थे कि दोनों नली के भीतर जैसे तुम ऐसे बनाए हो ना, ये हो गया आई और ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो जब एडजस्ट करो ट्यूबवा कितना बड़ा होगा? रे ट्यूबवा इतना प्लस इतना, यही ना होगा?
ट्यूब का लंबाई ऐसे नहीं मापा जाता, ऐसे सीधे मापा जाता है। तो हो गया एफओ प्लस यूई। कोई कोई किताब यही बात बताए कि यूई को एफ ई लिख लेता है, तो फिर एल बराबर एफओ प्लस। लेकिन ऐसा तब होता है जब फर्स्ट लेंस से ऑब्जेक्ट से इससे जो बना हुआ इमेज है जिस समय इसको एडजस्ट कर लेते हैं तब ऐसा होता, अदरवाइज तुम कह सकते हो एफ ओ प्लस यू ई। तो बच्चा अगर मैं फास्ट फास्ट फिर से पूरा वापस बोल दूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। मैंने बताया एक वैसा ऑप्टिकल डिवाइस है जो बहुत दूर की वस्तु को एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी को देखने में काम आता है। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी का मतलब हो गया क्या, स्टार हो गया, सैटेलाइट हो गया, मून हो गया, इन सभी चीजों को देखने में काम आता है। ये टू लेंस सिस्टम है, दोनों कॉन्वेक्स लेंस होता है, दोनों लेंस को एक नली में फिट किया हुआ रहता है। एक आंख की ओर होता है, एक वस्तु की ओर होता है। जो आंख की ओर होता है उसको आई लेंस कहते हैं, जो वस्तु की ओर होता है उसको ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं। दोनों एक नली में फिट रहता है। ऑब्जेक्ट लेंस के सामने पैरेलल रे आती है, उसका फर्स्ट इमेज पी क्यू बनता है। अब हम पी क्यू को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि यस आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करे, जिसका अंतिम प्रतिबिंब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन डी पर बनता है, पी डैश क्यू डैश। अल्फा एंगल से रे आ रही थी और फाइनल इमेज बीटा एंगल पर बनता है। अब हमको मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है एंगल मेड बाय इमेज, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, बीटा बाय अल्फा। दोनों का मान अगर बहुत छोटा है तो अल्फा को हम टेन अल्फा कहेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री से यूज कर लिए, पी क्यू बाई ओ क्यू। बीटा को टेन बीटा कहेंगे, पी क्यू बाई ई क्यू। दोनों का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन वन में और पी क्यू कट जाएगा और अपन को बच जाएगा ओ क्यू। क्या ओ क्यू बाई ई क्यू, ओ क्यू का मान हो गया एफ ओ, ई क्यू का मान हो गया माइनस यू ई, रीजन मैंने अभी आपको बताया। अब आगे कैलकुलेशन करने के लिए हम लेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ। यू का मतलब यू हो गया लेकिन निगेटिव हो जाएगा, वी का मतलब डी हो गया लेकिन निगेटिव हो जाएगा। सारा वैल्यू पुट कर लेते हैं और वन बाई यू का मान निकाल लेते हैं और इस वैल्यू को इक्वेशन टू में पुट कर देते हैं, अपन का मैग्निफिकेशन पता चल जाता है। अब हमको ट्यूब लेंथ चाहिए, तो ट्यूब लेंथ हम आराम से यहाँ पर निकाल लिए, ट्यूब क्या हो गया एफ ओ प्लस यू ई। तो बच्चा यही क्लास हुआ था उस दिन, जब जिस दिन आप लोग में से बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे, तो मेरे को लगा कि आपका नुकसान नहीं हो, तो मैंने ये क्लास आप सभी को रिपीट कर दिया। जो बच्चे प्रेजेंट थे उनको ये फायदा होगा कि वो इसको बार बार अगर वाच करेंगे तो उनको बिना याद किए हुए उनकी तैयारी हो जाएगी। तो बच्चे सभी लोग आप लोग इस क्लास को खूब अच्छा से कीजिए। मैंने आपके एब्सेंट्स को मैंने माफ किया और ये क्लास मैंने आपको दे दिया, अब आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही आपके जरूरत के हिसाब से, अगर फिर कभी आपको कोई मेरी जरूरत होगी तो हम फिर से आपके लिए वापस हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो, आपको सारा क्वेश्चन अच्छा से तैयार होते रहें, इसी शुभकामना के साथ फिर से हम वापस आएंगे। बाय।